हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1B का एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर्स 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये जो एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 9 और एग्जांपल नंबर 8 के सिमिलर ही हैं। केवल फर्क ये है कि उन दोनों क्वेश्चन में दो नंबर्स गिवन थे, यहाँ पे तीन नंबर्स गिवन है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट तो वही रहेगा। ठीक है ना, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे तीन नंबर्स दिए हैं 398, ठीक है, 436 और 542। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो तीनों को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 7, 11 और 15 आए। यानी कि इस केस में, पहला वाला केस में रिमाइंडर 7 आए, दूसरा वाला केस में रिमाइंडर 11 आए और तीसरा वाला केस में रिमाइंडर 15 आए। ठीक है, क्योंकि यहां पे वर्ड रिस्पेक्टिवली यूज किया गया है, यानी कि पहला के लिए पहला, दूसरा के लिए दूसरा और तीसरा के लिए तीसरा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। तो मान लेते हैं कि वो सबसे बड़ा नंबर x है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो जब हम x से 398 को डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 7। और इसी x से अगर हम 436, सेम नंबर से ही डिवाइड कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो इसी x से जब हम 436 को डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आया, 11। और इसी x से जब हम 542 को डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आया, 15 आया। हमको क्वेश्चन से मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम ये बात बताए थे कि अगर हम डिविडेंड में से रिमाइंडर को घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में डिविडेंड क्या है, 398 है, रिमाइंडर क्या है, 7। तो अगर हम इसमें से 398 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 391। यानी कि ये 391 x से अब कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जस्ट वैसे ही अगर हम 436 में से 11 को घटाते हैं तो यहां पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 425। ठीक है, 425 आएगा। अब ये जो 425 है, ये 425 x से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, 436 x से कंप्लीट डिविजिबल नहीं था क्योंकि रिमाइंडर आ रहा था, लेकिन जैसे ही रिमाइंडर को हम 436 में से घटाएंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो अब x से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। जस्ट वैसे ही 545 में से अगर हम 15 को घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 527 हो जाएगा ना, 527। तो अब ये जो 527 है ये भी अब क्या होगा, x से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यानी कि हम इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि x जो है 391 का भी फैक्टर है, x 425 का भी फैक्टर है और x जो है 527 का भी फैक्टर है। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी x है वो तीनों का कॉमन फैक्टर है। जो भी x है जो कि फाइंड करना है, x ही फाइंड करना है ना हमको, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर को हम क्या माने हैं, x माने हैं। ठीक है, तो x ही फाइंड करना है। तो जो भी मेरा x होगा वो x 391, 425 और 527 का कॉमन फैक्टर होगा। अब ध्यान दे, अब क्वेश्चन में दिया है लार्जेस्ट वर्ड का यूज किया है। लार्जेस्ट वर्ड का मतलब हाईएस्ट, यानी कि जो भी x होगा वो तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तीनों नंबर का क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि तीनों नंबर का एचसीएफ होगा। 391 का, 425 का और 527 का क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, और यही x हमको फाइंड करना है। आ रही बात समझ में? तो हम क्या करेंगे कि गिवन नंबर्स में से हम कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसका हम एचसीएफ फाइंड कर देंगे, तो हमको रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज द एचसीएफ ऑफ किसका, किसका एचसीएफ होगा, 398 माइनस 7 यानी कि 391 का, उसके बाद 436 माइनस 11 जो कि कितना आएगा, 425 आएगा उसका होगा, एंड 542 माइनस 15 यानी कि ये आ जाएगा 527 का। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज द एचसीएफ ऑफ 391, 425 एंड 527, लेकिन हम यहां पे सब्ट्रैक्ट भी कर दिए ताकि और अच्छा देखे। ठीक है, चलिए, तो 527 का, तो तीनों का एचसीएफ फाइंड करना है। तो एक एक करके तीनों को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एचसीएफ आप लॉन्ग डिविजन से भी फाइंड कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 391 का पहले करते हैं, ये हो जाएगा 391। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड होगा, 391 जो है ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक करेंगे, 3 किससे भी नहीं होगा क्योंकि सारे डिजिट का सम कितना आ रहा है, 39, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा।
TF 17 से जाएगा डायरेक्ट, चेक कर सकते हैं 17 से डिवाइड हो जाएगा 391, ठीक है, ये 2 टाइम्स में 34 हो जाएगा, ये 51 यानी कि 3 टाइम्स में, तो 17 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा 23 टाइम्स में। अब ये जो 23 है, 23 एक खुद एक प्राइम नंबर है, ये 1 से ही डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब फिर कौन है दूसरा नंबर 425, ठीक है, इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 5 से करते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा 85 भी 5 से हो जाएगा 17 टाइम्स में, 17 खुद क्या है प्राइम नंबर। अब आते हैं 527 पे, ठीक है, आप चेक कर लेना 527 जो है डायरेक्टली 17 से ही डिवाइड होगा, तो करते हैं 17 से, ये हो जाएगा 3 टाइम्स में 51 और 31 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 31 से ही डिवाइड होगा, क्लियर है। अब सारे नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 17 × 23, दोनों का पावर 1 ही है। अब 425 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 17, यानी कि प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 5 है 17 है, 5 कितने बार है, 2 बार, तो पावर 2 हो जाएगा, 17 एक बार है। 527 को करते हैं तो ये हो जाएगा 17 × 31, ठीक है, और दोनों का पावर 1 ही है। अब हमको SCF बताना है, SCF ऑफ 391, 425 और कौन सा है 527, ठीक है, तो SCF में हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, तो यहाँ पे कॉमन कौन सा है, केवल 17 ही कॉमन है, सारे में 17 ही कॉमन है, और इसका स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है सब में, ठीक है, तो कितना आ गया 17 आ गया, यानी कि तीनों नंबर्स का SCF कितना आया 17 आया, यानी कि 17 ही वो सबसे बड़ा नंबर होगा, ध्यान से समझेंगे, 17 ही वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो 398 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 7 आएगा, 436 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 11 आएगा, और 542 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 15 आएगा। अब 17 से वो बड़ा नंबर नहीं हो सकता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इज 17 होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो यहां पर हम क्या किए कि जो भी नंबर्स दिए हुए थे उस नंबर्स में से कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर को घटा दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, और जो भी रिजल्ट आया उसका ऐसे फाइंड कर दिए, तो वही लार्जेस्ट नंबर होगा जो कि हमको फाइंड करना था, ठीक है। चलिए फिर, तो इस तरह के एग्जाम्पल को हम मतलब 8 और 9 में भी डिस्कस किए थे, तो होप कि ये आसानी से समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में यही क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।